अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे तो यूपी की सियासत गर्माने लगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी दुनिया में भारत का अपमान करते हैं, उसी तरह अखिलेश देश के अलग अलग राज्यों में यूपी का अपमान कर रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की राजनीति से सियासी पारा चढ़ गया है। अखिलेश ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चुभने वाली सियासी तपिश पैदा हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, राहुल गांधी देश की बदनामी विदेश में करते हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बदनामी देश में कर रहे हैं। दोनों नेता भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि दोनों को सद्बुद्धि दे। ममता बनर्जी से मिलने पर यूपी की सियासत में कितना बदलाव आएगा ये तो 24 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश के बंगाल दांव पर यूपी की सियासत अभी से गर्मा गई। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है, कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़कर के बाहर गए। कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जब कोई स्थान नहीं होता तो लोग कोई विदेश भ्रमण करता है, पहली जनवरी को कोई कुछ और करता है, तो ये उनका अपना कार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और अच्छा काम करके जिनकी बढ़त बनी हुई है, जनता में विश्वास बढ़ा हुआ है, तो ये घबराहट है विपक्ष में कि सब मिल जाएं, एक हो जाएं, सब मिलते हैं, एक होते हैं और ज़्यादा हारते हैं बड़े मार्जिन से। अब जब 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो लखनऊ से लेकर दिल्ली सरकार तक कई निशाने लगाए जाएंगे, लेकिन भाजपा कहती है 4 चुनाव में नाकाम हो चुके अखिलेश अगली नाकामी की तैयारी में जुटे हैं। इकट्ठा नहीं है लोग, ये वहाँ 5 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो सब दिखाई देते जो कहते हैं हाँ हम हैं, मैं ममता जी स्वयं हैं, हमारे जो है राहुल जी हैं ही, उन्होंने यात्रा इसीलिए की थी मुझे ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि राहुल जी के के चारों तरफ जो है सारे विपक्षी एकता होगी। फिर जो है हमारे केजरीवाल साहब हैं, फिर हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे नेता हैं, शरद पवार साहब की उम्र जरा ज़्यादा हो गई है लेकिन एनसीपी के अंदर भी जोश आता है। अखिलेश जी अपनी कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश से बाहर कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो अपनी भूमि पूरी जो उनकी ज़मीन है वो खो चुके हैं। आप देखिए अभी जितने उपचुनाव हुए हैं अखिलेश जी बुरी तरह हारे हैं, जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, वो हर चुनाव को भाजपा बनाम सपा बनाने की कोशिश करते हैं और शायद यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से तौबा कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।